हेलो एंड वेलकम मम्मी पापा की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मोतीचूर के लड्डू बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक कटोरी बेसन लिया है। ये सबसे पहले घोल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, एक कटोरी बेसन लें, ये बारीक वाला बेसन है, कोई मोटा बेसन लेने की जरूरत नहीं है, बारीक बेसन लें। एक ही कटोरी पानी लें, ये दोनों चीजों से हम घोल बनाएंगे। पतला घोल बनाएंगे तभी हमारी बूंदी बिल्कुल मोती जैसे बनेगी। एक कटोरी चीनी लें, जितना बेसन है उसका आधा पानी कर दें। इन दोनों से हम शुगर सिरप बनाएंगे, और ये झारा है जिसमें हम अपनी बूंदी बनाएंगे, और ये जो हम इसमें थोड़ा सा पिंच फूड कलर येलो का इस्तेमाल करेंगे। इलायची डालेंगे अपने शुगर सिरप के अंदर, रोज वाटर भी हम शुगर सिरप में डालेंगे, और ये जो अपना शुगर सिरप को साफ करने के लिए हम थोड़ा सा एक कड़छी दूध भी उसमें डालेंगे, और ये एक चम्मच देसी घी हम लास्ट में डालेंगे। जब हम लड्डू को बांधने लगेंगे उस समय इसका यूज करेंगे। उससे ये होता है कि अगर हम तेल में भी फ्राई करते हैं लड्डू, अगर उसके बाद हमें देसी घी का एंजॉय अपना आनंद लेना है, तो आप उस समय लड्डू बांटते समय एक चम्मच देसी घी डाल दें, तो उससे आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे आपने देसी घी में ही तले हैं। और थोड़े से मैं उसमें मेलन सीड्स डालूंगी, और ये शहद है। शहद अगर आपके पास लिक्विड ग्लूकोज घर में अवेलेबल नहीं है तो आप एक चम्मच इसमें शहद डाल दें। ये भी मैं बाद में बताऊंगी कि कब डालना है, तो उससे आपके लड्डू कभी हर समय सॉफ्ट बने रहेंगे, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे ये शहद डालने से। अब हम अपने लड्डुओं का सबसे पहले घोल बनाते हैं। एक कटोरी बेसन नपा हुआ मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसको छान भी दी। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और लम्स फ्री घोल बनाएंगे। एकदम एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें और उसको मिलाते जाएं। थोड़ा सा कलर पिंच मैं इसमें डालूंगी और थोड़ा सा शुगर सिरप में डालूंगी। ये जो मैंने झारा लिया है ये ना ज्यादा मोटा है ना ज्यादा पतला है, इससे हमारी ना ज्यादा मोटी बनेगी ना ज्यादा पतली बनेगी। इससे बनाने का हमारा मकसद यह है कि इससे हमारा थोड़ा बूंदी का हमें टेस्ट आना चाहिए और बढ़िया बूंदी के लड्डू बनेंगे। आप देख सकते हैं हमारा लम्स फ्री घोल बिल्कुल तैयार है। ये रनिंग कंसिस्टेंसी है कि यही इसी कंसिस्टेंसी का होगा तभी हमारी बूंदी सही बनेगी। अब मैंने तेल भी गर्म करना रख दिया, अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है हम तब तक ये अपना शुगर सिरप भी बना के रख लेते हैं। आधी कटोरी पानी और एक कटोरी चीनी, इन दोनों को मिलाएंगे। बस थोड़ा सा मिलाना ही है, हल्का सा, ज्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी, बस हम इसको शुगर सिरप तक ही रखेंगे। कभी भी आप सारी बूंदी को इकट्ठा ना बनाएं, सबसे पहले एक चम्मच से अपने हम बूंदी के घोल को चेक करेंगे कि ये सही से जा रहा है। अगर ये सही से हमारी बूंदी बन रही होगी तभी हम और डालेंगे। ये देखें, ये सही से जा रही है, इसका मतलब अब ये हमारी बनाने वाली हो गई है। मैं बूंदी बनाती जा रही हूँ और एक छलनी से इसमें ये बारीक छेकों वाली इकट्ठी करती जा रही हूँ, जिससे इसमें से सारा तेल बाहर निकल जाएगा। लड्डुओं की बूंदी तैयार है, अब मैं इसको हाथ से जरा सा क्रश करूंगी और फिर इसको शुगर सिरप में डालूंगी। शुगर सिरप के अंदर मैंने पानी, चीनी, छोटी इलायची, रोज वाटर और ये दूध, इन सबको मिला दिया। अब इसमें जरा बॉयल आ जाए फिर हम इसमें अपनी बूंदी मिलाएंगे। पानी में बॉयल आ गया, अब हम इसमें ये बूंदी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। इसमें बहुत अच्छे से बॉयल आ गया, अब हम इसको ढक देंगे और इसको ठंडा होने के बाद फिर इसके लड्डू बनाएंगे। बूंदी चाशनी में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई है, मैंने इसको 10 मिनट तक ढक के रखा है। अब मैं इसमें ये जो एक चम्मच घी है वो डालूंगी और ये जो मेलन सीड्स हमने रखे हैं वो डाल देंगे, और साथ ही ये जो शहद है जिसके कारण ये चीनी जमेगी नहीं इसके अंदर, वो भी मैं इसमें एक चम्मच डाल दूंगी। और अब इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे प्लेट में डाल के और फिर इसके हम लड्डू बनाएंगे। बूंदी बहुत अच्छे से ठंडी हो गई है, अब मैं इसके लड्डू बनाऊंगी। लड्डू अब अपने जितने आपके साइज के आपको पसंद है, छोटे बड़े जैसे भी वैसे आप बना लें। ये देखें कितने बढ़िया जूसी लड्डू बने हैं हमारे। हमारे स्वादिष्ट, जूसी, टेस्टी,
मोतीचूर के लड्डू बनकर तैयार हैं। आप भी इस मेरी रेसिपी को फॉलो करें और मम्मी पापा की रसोई को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।